नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। देखो, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए थे, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई आलतू फालतू के वीडियोस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपकी पढ़ाई है वो कंटिन्यू आपको जारी रखनी है, आपको सेल्फ स्टडी पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। दूसरी बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है कि फॉरम कब निकलेंगे, एग्ज़ाम कब होगा। आप बस अपनी पढ़ाई करते रहिए, फॉरम स्टार्ट होंगे तो सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा। बस अपना माइंड है वो डाइवर्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम करवाया जाता है वो आपके आरयूएचएस के द्वारा क्या आपके करवाया जाता है। यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अभी तक फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के इंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपके बिल्कुल भी आपके निःशुल्क बीएससी नर्सिंग करवाई जाती है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट इसके बारे में, सिलेबस के बारे में, कैसे आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, सिलेबस आपके सिर्फ और सिर्फ 12th आरबीसी का रहने वाला है, आरबीएससी का रहने वाला है। यहाँ पे राजस्थान बोर्ड का जो पिछला सिलेबस था वो रहने वाला है, जो आपके 2021 के अंदर था वही सिलेबस रहेगा। एनसीईआरटी का सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। और सिलेबस के अंदर 12th बायोलॉजी, 12th फिजिक्स और 12th केमिस्ट्री, ये आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। 11th के क्वेश्चन नहीं आएंगे विशेष तौर से, ये बात आप ध्यान रखना सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे। नेक्स्ट बात, यहाँ पे एग्ज़ाम का जो पेपर पैटर्न आएगा वो आपके इंग्लिश मीडियम में भी आएगा और हिंदी मीडियम में। अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले इसे आपके हिंदी में भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके सिर्फ और सिर्फ बायो के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे क्वेश्चन आपके ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे, मतलब आपको ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा और जिसके द्वारा आप यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यही फोकस करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सारे क्वेश्चन करने, कोई भी क्वेश्चन आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसमें से आप पहले ऑप्शन कट करो कि भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो तीन ऑप्शन या दो ऑप्शन आपके सामने कट हो जाएंगे और तीसरा चौथा आपके सामने बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो ये आप फंडा बिल्कुल अपनाना। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स के रहने वाले और 34 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के रहने वाले, तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। सारे क्वेश्चन जरूर करना, पढ़ाई है वो अपनी कंटिन्यू जारी रखिए, जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, एक टॉपिक को यहाँ पे क्लियर कीजिए। बाकी आपकी क्लासेज है वो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर चल रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, और कोई भी आप नेगेटिव जो भी बातें होती है उसके ऊपर ध्यान ना दें, अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बनाए रखें। मिलते हैं वापस एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में।